खबर देहरादून से है, जहां पर नाराज सरकारी कर्मचारियों से प्रदेश सरकार अब बात करने वाली है। दरअसल लंबित मसलों पर सहमति के बाद भी जियो नहीं जारी हुआ और ऐसे में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अब इसकी जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक को यहां पर दे दी है। जिम्मा पूरा उनको सौंप दिया है। तो 10 और 11 फरवरी को समितियों के अधिकारियों से बात करेंगे मदन कौशिक, जहां पिछले कई महीनों से कर्मचारी संगठन मांगों को लेकर आंदोलनरत है। अधिकारी कर्मचारी समन्वय मंच 27 जनवरी को रैली भी कर चुका है। तो बड़ी खबर देहरादून से, नाराज सरकारी कर्मचारियों को कहीं ना कहीं अब मनाने की जो कवायद है वो यहां पर होती हुई दिख रही है और ऐसे में जिम्मेदारी जो है वो यहां पर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक को दी गई है। और अजीत कंबोज हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के जुड़ गए हैं। अजीत, लंबे समय से ये कहीं ना कहीं देख रहे थे कि प्रदेश में आंदोलनों का दौर था और इसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी भी सीएम ने यहां पर जताई थी, लेकिन अब उस आंदोलन को खत्म करने के लिए और जो मांगों को लेकर कहा जा रहा था कि मांगे कहीं ना कहीं सुनी नहीं जा रही, लेकिन वक्त अब आ गया है कि ये आंदोलन खत्म होंगे जल्द से जल्द। बिल्कुल, अब जिस तरह से मंत्री मदन कौशिक को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जो नाराज कर्मचारी हैं जो सरकार के उनको मनाया जाए, हालांकि वार्ताएं कई बार की हो चुकी हैं और जो कर्मचारियों का मांग पत्र है वो भी सरकार के पास मौजूद है, जिसमें दिवंगत कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत जी की अध्यक्षता में बैठक हुई और सहमति भी बनी। अब जो यहाँ पर चीजें हैं वो खुलकर सामने आ रही है, कर्मचारी नाराज है और एक बार की रैली आयोजित कर सरकार को चेता भी चुके हैं कि अगर उनकी मांगों पर सहमति नहीं बनती है तो वो कोई बड़ा और कड़ा कदम भी उठाने को मजबूर होंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से मंत्री मदन कौशिक को जिम्मेदारी सौंपी गई है और 10 और 11 फरवरी को ये बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें कर्मचारियों से जुड़े हुए सभी मसले रखे जाएंगे। कर्मचारी मंच के जो भी पदाधिकारी होंगे वो इस बैठक में शामिल होंगे, अपनी बातें रखेंगे, मुद्दे उठाएंगे कि किन किन मुद्दों पर उनकी सहमति बन चुकी है और उनको इंप्लीमेंट होना है, या कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो नए आए हैं जिनमें वो राहत की मांग करते हैं सरकार की तरफ से। तो सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके कर्मचारियों को मनाया जाए और जो भी उन्होंने कड़ा एक्शन लेने की बात की है वो उसमें ना उतरे। बिल्कुल अजीत, एक कहीं ना कहीं चुनौती बनकर यहाँ पर खड़ी हो गई थी, जिस तरह से लगातार कर्मचारी विरोध कर रहे थे, प्रदर्शन उनका जारी था, विपक्ष भी यहाँ पर घेर रहा था कि सरकार कैसी कि जब कर्मचारी जो है वो परेशान है, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये वक्त आ गया है कि विपक्ष को जवाब दिया जाए। बिल्कुल, विपक्ष की अगर किया तो विपक्ष हर उस मुद्दे को लपकने की कोशिश कर रहा है जो मौजूदा सरकार के खिलाफ है, चाहे फिर वो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की हड़ताल का मुद्दा हो या फिर CAA NRC को लेकर राजधानी देहरादून में चल रहा विरोध प्रदर्शन हो। इसके अलावा ई रिक्शा वालों ने जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया उसमें विपक्ष मौजूद रहा, और अब जो कर्मचारियों की मांग है, कर्मचारियों ने 27 जनवरी को एक बड़ी रैली का आयोजन किया था तो उसमें भी विपक्ष बैकडोर से उनके साथ शामिल रहा कि आप विरोध प्रदर्शन कीजिए, हम आपके साथ हैं, आपके मुद्दों को सदन के भीतर उठाएंगे। तो कहीं ना कहीं विपक्ष हर उस भूमिका में आना चाहता है जो सरकार के खिलाफ है। ऐसे में कर्मचारी सीधे तौर पर लगभग 3 लाख से ज्यादा उत्तराखंड सरकार में कर्मचारी हैं, उनके साथ खड़ा होने की विपक्ष पुरजोर कोशिश कर रहा है कि उनके मुद्दे भी साधे जा सके और वोट बैंक को अपनी तरफ भी मोड़ा जा चुके, लेकिन अब सरकार ने भी अपनी तरफ से कोशिशें तेज कर दी हैं। हालांकि अभी चुनाव में सभी सरकार और सरकार के मंत्री 10 तारीख का समय रखा गया है बैठक को। बने रहेगा अजीत, बने रहेगा आप हमारे साथ। तो कवायद के तौर पर हम कह सकते हैं कि सरकार कोशिश यहाँ पर कर रही है, देखना होगा कामयाबी यहाँ पर कितनी मिल पाती है।